वेलकम, मैं हूँ उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। मैगजीन अवार्ड फंक्शन में दीपिका के एक एसएमएस के बाद शाहरुख कहां लेकर गए दीपिका को, रिवील करेंगे हम। स्टाइलिश सोनम की स्टाइलिश ड्रेस क्यों बनी शाहरुख खान के लिए प्रॉब्लम, दिखाएंगे आपको। किस बात को लेकर शुरू हुई कटरीना और करीना के बीच कैट फाइट, खुलासा करेंगे हम। डर्टी पिक्चर्स को लेकर आई किस खबर से विद्या बालन को आया गुस्सा, बताएंगे आपको। और फिल्म रॉकस्टार के रिलीज से ठीक पहले रणबीर कपूर ने जूम से की एक्सक्लूसिव बात, दिखाएंगे दीपिका, नरगिस और रॉकस्टार पर क्या कहना है रणबीर कपूर का। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं दीपिका के एक एसएमएस से। हेलो मैगजीन अवार्ड फंक्शन में दीपिका के एक एसएमएस के बाद भागे भागे आए शाहरुख खान और फिर दीपिका को लेकर चले गए इवेंट से। तो दीपिका के उस एसएमएस का सीक्रेट क्या था, वेल आप खुद देख लीजिए हमारी पहली स्टोरी में। दीपिका ने एक मैसेज भेजा और शाहरुख भागे भागे चले आए। फिर दीपिका के साथ इवेंट से चले भी गए। आखिर क्या लिखा था दीपिका ने इस मैसेज में? हेलो मैगजीन के अवार्ड फंक्शन में दीपिका और शाहरुख के बीच क्या चल रहा था? दीपिका के एक मैसेज में ऐसा क्या था कि शाहरुख को तुरंत उनके पास आना पड़ा? चलिए ये पूरा सस्पेंस हम आपके सामने खोल देते हैं। सबसे पहले देखिए इस अवार्ड फंक्शन में शाहरुख और दीपिका के बीच चोरी चोरी चुपके चुपके क्या क्या हो रहा था। दीपिका बैठी थी करिश्मा और सोनम कपूर के साथ और शाहरुख बैठे थे मुकेश अंबानी के पास। दीपिका करिश्मा और सोनम से बात करने के बजाय बिजी थी किसी को मैसेज करने में। क्या ये मैसेज शाहरुख खान के लिए था? खुद देखिए दीपिका के मैसेज डिलीवर होने के कुछ सेकंड बाद ही दूर बैठे शाहरुख खान का रिएक्शन। शाहरुख ने तुरंत मुकेश अंबानी को हाथ मिलाकर किया टाटा बाय बाय और लंबे लंबे कदमों से बढ़ गए दीपिका की तरफ जहां वो कर रही थी शाहरुख का डेस्परेटली वेट। शाहरुख ने पहुंचते ही दीपिका को किस किया। दीपिका ने शाहरुख के कान में कुछ धीरे से कहा, फिर दोनों उठकर चले गए पार्टी से बाहर। चलिए अब हम दीपिका के मैसेज और उनकी बात का सीक्रेट भी ओपन कर देते हैं। दरअसल शाहरुख दीपिका दोनों को इस इवेंट के बाद जाना था कोरियोग्राफर गणेश हेगड़े की बर्थडे पार्टी में। तो क्या दीपिका ने शाहरुख को मैसेज करके चलने के लिए कहा था? देखिए इस मैसेज के बाद ही दोनों इस इवेंट से चले भी गए और पहुंच गए गणेश की बर्थडे पार्टी में। यहाँ भी दोनों साथ साथ नजर आए। बाद में शाहरुख ने एक अच्छे फ्रेंड की तरह पहले दीपिका को उनकी कार तक ड्रॉप किया और फिर खुद भी चले गए। इस इवेंट में सोनम कपूर भी आई थी एज यूजुअल ड्रेस्ड इन अ वेरी स्टाइलिश गाउन, लेकिन उनके इस गाउन ने शाहरुख को मुश्किल में डाल दिया। कैसे, वॉच इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सोनम की ये सोनपरी जैसी गोल्डन ड्रेस बन गई शाहरुख के लिए प्रॉब्लम। शाहरुख सोनम को वेलकम किस करें तो कैसे करें? उनकी ड्रेस पर ये डिजाइनर फ्लावर दोनों के बीच में दीवार जो बन रहा है, आप खुद देखिए। एक अवार्ड में जब शाहरुख खान सोनम कपूर को ग्रीटिंग किस करने चले गए तो क्या हुआ? दरअसल ये इवेंट था हेलो मैगजीन अवार्ड फंक्शन का, जहां स्टार्स को मिलता है उनके स्टाइल के लिए अवार्ड। अब स्टाइल के मामले में हमारी सोनम है सबसे आगे। इस फंक्शन के लिए सोनम ने गोल्डन कलर का ये डिजाइनर गाउन पहना था। इस गाउन में सोनम लग रही थी काफी स्टनिंग। सोनम को उनके स्टाइल के लिए अवार्ड भी मिला, लेकिन सोनम की ये खूबसूरत ड्रेस शाहरुख के लिए बन गई पहेली। इस इवेंट में जब शाहरुख सोनम से मिले तो सोनम को ग्रीटिंग किस करने में हुई काफी परेशानी। कुछ सेकंड तो शाहरुख को समझ में नहीं आया कि वो सोनम को गले कैसे लगाए। इस फनी इंसिडेंट को देखकर बगल में ही बैठी दीपिका भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। वेल, किसी तरह शाहरुख ने सोनम को गले लगाया और वहां से चलते बने। और अब बात कटरीना कैफ की। कटरीना और करीना के बीच शुरू हो गई है कैट फाइट एक फिल्म को लेकर।
इंडस्ट्री की ये दोनों टॉप एक्ट्रेसेस किस फिल्म के लिए लड़ रही हैं आपस में, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। एक शाहरुख के लिए बॉलीवुड की दो फेमस एक्ट्रेसेस में छिड़ सकती है जंग। जी हाँ, कटरीना और करीना के बीच हो सकती है कैट फाइट शाहरुख को लेकर। रिसेंटली न्यूज आई है कि रोहित शेट्टी की फिल्म के लिए करीना और कटरीना का नाम सजेस्ट किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस फिल्म में शाहरुख इज द लीड एक्टर और करीना इज क्वाइट कीन टू स्टार इन दिस रोहित शेट्टी फिल्म। वेल, पहले ये फिल्म द मोस्ट फेमस कॉमिक फ्लिक अंगूर पर बननी थी और करीना को इसके लिए मौसमी चटर्जी के किरदार में लिया जा रहा था, बट शाहरुख सजेस्टेड दैट ही वांट्स टू डू मोर ऑफ एक्शन फिल्म्स। वेल, फिल्म की स्क्रिप्ट चेंज हो गई तो लीड एक्ट्रेस भी चेंज हो गई और इसीलिए करीना की जगह अब कटरीना शाहरुख की लीड एक्ट्रेस बन सकती हैं। और आजकल कैट्स और शाहरुख की बॉन्डिंग भी काफी अच्छी हो रही है as they have been tied up for Yash Raj's next venture। पर शाहरुख और करीना की फ्रेंडशिप भी काफी पुरानी है और रावण में तो बेबो ने मानो जैसे शाहरुख के साथ धूम ही मचा दी हो। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इन दोनों एक्ट्रेसेस में से शाहरुख किसको चूज करेंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा। लारा दत्ता भले ही टॉप रैंक्ड एक्ट्रेस ना हो, लेकिन वो ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए डिमांड करती हैं हाई फीस। इनफैक्ट उनकी इसी डिमांड की वजह से उन्हें एक बड़े ब्रांड से हाथ भी धोना पड़ा। फुल स्टोरी अप नेक्स्ट। मिस यूनिवर्स टर्न एक्टर लारा दत्ता इन दिनों ब्रांड से दूर होती जा रही हैं। Reportedly, Lara has lost out on a hair oil brand. सुनने में आया है कि लारा की प्रेगनेंसी के बाद एक हेयर ऑयल ब्रांड ने लारा को गुड बाय कह दिया है। लारा जो कि इस हेयर ऑयल ब्रांड की एम्बेसडर थी, अब इसे प्रमोट करती हुई नहीं नजर आएंगी। वहीं दूसरी ओर लारा और उनके ब्रांड्स को लेकर एक खबर ये भी है कि एक लीडिंग डायपर ब्रांड करना चाहता था लारा दत्ता को साइन। प्रेग्नेंट लारा इसके लिए परफेक्ट फिट भी बैठ रही थी, लेकिन इस ब्रांड ने भी लारा को सायोनारा कह दिया। वजह, लारा का प्राइसी अफेयर। अपेरेंटली लारा के हबी महेश भूपति ने डायपर के इस ब्रांड से मांगी एक हेफ्टी अमाउंट और सुनने में आया है कि यही वजह है कि बात नहीं बन पाई। Well, इस सब के बाद इतना कहना पड़ेगा कि फिलहाल शायद लारा के लिए ब्रांड और एंडोर्समेंट्स का थिएटर हाउसफुल नहीं है। डर्टी पिक्चर में हॉट और बोल्ड सीन देना पड़ रहा है विद्या को काफी भारी। खबर है कि कुछ लोग इंटरनेट पर विद्या को एज अ पॉर्न स्टार और उनकी फिल्म डर्टी पिक्चर को एज अ पॉर्न फिल्म प्रमोट कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली विद्या है काफी अपसेट, तो इस पूरे इशू पर क्या है उनका कहना, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। फिल्म डर्टी पिक्चर में विद्या ने जमकर बोल्ड सीन्स दिए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पसंद अपनी फिल्म का पॉर्न फिल्म कहलाना। और जब भी डर्टी पिक्चर को कोई पॉर्न फिल्म कहता है तो विद्या हो जाती है आग बबूला। कुछ ऐसा ही हुआ जब एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि आखिर उनकी फिल्म को इंटरनेट पर पॉर्न फिल्म क्यों कहा जा रहा है। इस बात को सुनते ही विद्या ने गुस्से में कहा कि ये बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। फिल्म में जरूर मैंने एक्सपोज किया है और बोल्ड सीन्स दिए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी फिल्म पॉर्न फिल्म है। लेकिन विद्या का गुस्सा यही खत्म नहीं हुआ और सभी से एक रिक्वेस्ट की कि वो ऐसी खबरों पर ध्यान ना दें जब तक कि फिल्म ना देख लें। फिल्म रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि उनकी फिल्म पॉर्न है या नहीं। वेल, ये सब जानते हैं कि विद्या के हॉट लुक और बोल्ड सीन्स की वजह से ही डर्टी पिक्चर को रिलीज से पहले इतनी पब्लिसिटी मिल रही है, लेकिन इन बातों से लगता है कि विद्या को कहीं ना कहीं सिल्क स्मिता बनने का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ अपने लिंकअप की खबर से परेशान हो गई हैं एक्ट्रेस शहजान पद्मसी। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर शहजान दे रही हैं इस न्यूज पर क्लैरिफिकेशन, आप भी सुन लीजिए। जो भी रूमर्स युवराज सिंह और मेरे साथ है, आई थिंक देयर इज एब्सोल्युटली नो ट्रूथ इन इट एंड ही इज समबडी आई नो कॉर्डियली एंड दैट्स अबाउट इट। शाहजहां पद्मसी और युवराज सिंह के लिंकअप की न्यूज क्या आई, शाहजहां हो गई हैं काफी परेशान। शाहजहां पद्मसी ने जूम पर क्लियर की अपने लिंकअप की सारी र्यूमर, खुद सुनिए क्या कहा शाहजहां ने। कहां से आ गया न्यूज, इनफैक्ट आज भी मैं उठ के पेपर मैंने देखा और मैंने बोला ओ माय गॉड ये क्या है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से शाहजहां का नाम क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ जुड़ रहा था। खबर थी कि ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ रहे हैं, दोनों कई जगह साथ साथ स्पॉट किए जा रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि युवराज ने ही शाहजहां को नए एड में साइन करवाया है, लेकिन जूम पर शाहजहां ने इन सारी न्यूज पर दे दी अपनी सफाई। एक्चुअली एक ब्रांड है, पेन ब्रांड है, जिन्होंने मुझे साइन किया है ब्रांड एम्बेसडरशिप के लिए। तो
दैट इज़ द ओनली कनेक्शन. एंड हमने चेतन भगत का जो बुक लॉन्च था रेवोल्यूशन 2020, वी बोथ लॉन्च द बुक टुगेदर. दैट इज द ओनली कनेक्शन, देयर इज नो अदर कनेक्शन. शादा ने एक्सक्लूसिवली हमें बताया कि वो खुद इस तरह की न्यूज से कितनी डिस्टर्ब हैं. जो भी रूमर्स युवराज सिंह और मेरे साथ है, आई थिंक देयर इज एब्सोल्युटली नो ट्रूथ इन इट. एंड ही इज समबडी आई नो कॉर्डियली, एंड दैट्स अबाउट इट. वी जस्ट होप शादा कि आपके क्लेरिफिकेशन के बाद आपका नाम यूवी के साथ ना जोड़ा जाए. लेकिन आप भी जब नेक्स्ट टाइम युवराज से मिलें, तो जरा उनसे दूरी बना कर ही रखें, वरना आपको फिर देनी पड़ेगी अपनी सफाई. रणबीर कपूर क्यों करना चाहते हैं दीपिका के साथ फिल्म? रणबीर नरगिस को क्यों करते हैं पसंद और उनको रॉक स्टार से कितनी एक्सपेक्टेशन है? Well, yes, रणबीर कपूर शेयर ऑल हिज इमोशंस विद अस. The last time you were on the couch, a lot happened, a lot of controversies happened, you got into trouble. So we have the Bean Bag. Yes, thank you so much. Have you gotten past that stage? I was never taken by the controversies and things that surrounded that episode. It was part and parcel. I think it was exaggerated a lot by the media also. But it's fine, you know, I mean, I'm still really friendly with everyone in this industry. We all are friends behind closed doors. So it just makes, you know, good entertaining gossip and good entertaining material for entertaining channels. Talk about gossip reminds us that, you know, Imran Khan keeps saying that no one knows gossip like Ranveer does. So give us a gossip that we don't know. I think I know gossip because I watch Zoom channel. So you guys are the gossip delivery people. No, Imran, in fact, during one of my interviews, he very sweetly defended you. He said, you know, Ranveer is hot, he's single, he's a bachelor. Let him enjoy his wine and women, you know, just stop bothering him. Right. So he was like, do you guys chat about, you know, what's happening? No, you know, honestly, Imran and me aren't, we aren't friends. Mm-hmm. You know, we did those two Filmfare Award shows together. Then, that's it. You know, we don't have, our worlds are different. Our set of friends are different. Our movie culture is different. So we don't even meet. If I see him, I'll see him at a social event. So we'll kind of try to catch up and hang out. But it's not that I speak to him every day. The last time I met him was a while back. I don't even remember. But I'm really thankful that he said that. You know, aapka Casanova ka image hai, you know, the ladies man kind of thing. Have you gotten used to it? Are you enjoying it? Or have you ever tried to change it? I mean, I don't try to change it. I don't enjoy it. I don't get used to it. It's just something which got attached to me very early in my career. Because I dated an actress, you know, I was open about it. But it's fine, you know, like I said, I'm an actor. It'll keep changing. You know, there'll be phases where you'll probably put me like he's the angry guy or he's the funny guy. Or right now is that Casanova phase, you know, which people are playing. It's stuck for a long time, yeah. But I guess the day I get married, you know, this Casanova image will leave me. So till the time I'm not married, it's fine, you know. It makes good paper writing. For an actor, his image kind of precedes him. So you think the kind of image you have affects the brands you endorse or the kind of movies you do? I don't think so. You know, I'm still endorsing the best brands that they are. I'm still getting the opportunity to work with the best directors, Imtiaz Ali, Anurag Basu. So I don't think any of this matters. At the end, it's only a movie, it's only a character. All these are just the frills that surround an actor's life. It's the passing of time, and that's what it is. I was reading the papers today, your interview where you said you've never been this single. So singledom ka bhi ek level degree hota hai. Well, मैं बोल बोल के थक गया हूँ. You know, किसी को समझ नहीं आता जब मैं बोलता हूँ सिंगल हूँ तो लोग 10 क्वेश्चन उसके आगे पूछते हैं. सो आई थॉट कि दैट वाज लाइक अ फाइनल थिंग कि आई हैव नेवर बीन द सिंगल बिफोर, तो प्लीज अब बंद कर दो. कमिंग टू रॉकस्टार, वी बिलीव यू नेवर प्रिपेयर्ड फॉर अ रोल एज मच एज यू प्रिपेयर्ड फॉर रॉकस्टार. टेल अस अबाउट. बट आई थिंक इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग फिल्म. इट्स वन ऑफ द यू नो एन एक्टर गेट्स यू नो वेरी फ्यू फिल्म्स लाइक दिस इन हिज करियर. द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद इम्तियाज अली, एआर रहमान, everybody attached to this film was truly a big honor for me. Mm-hmm. It was very challenging and motivating and inspiring because of the character, because of the role, because you know, to match the sheer talent of Imtiaz Ali. But it's not that, you know, I worked extra hard for this film. I've not worked for my other films. Every film comes with its own challenges, its own hard work. And I guess you have to really be passionate about your work. You have to be motivated about the character that you're playing. Then only, you know, when the audience goes and sees it on screen, they will have some connect with it and look believable. There will be a sense of an experience that you've gone through will relate on screen, where the audience can experience it. So it's very important that, you know, you stay true to your work and you work hard delivering, you know, what you're meant to. Thanks so much. Thank you. It was a pleasure talking to you. Thanks. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट यू डोंट गो अवे, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे सलमान खान ने कैटरीना को किस बात के लिए किया कॉपी.
बॉम्बे टाइम्स पार्टी में नजर आए स्टाइलिश सिद्धार्थ माल्या एंड आफ्टर एक्सचेंजिंग ग्रीटिंग्स विद रणबीर कपूर हमने सेट से की एक्सक्लूसिव बात. टेक अ लुक. I think I'm getting quite lucky. I get to catch him in I think twice in this month. So looking again stunning. He never does his style wrong. So tell us, how's the party, Siddharth? Yeah, well, I haven't been in yet. I've been brought straight here. So you're lucky, even luckier that you've got the first bite. But I'm sure it's rocking as usual. The Bombay Times ones always are. Absolutely. First, tell us, where's your hat? Yeah, that's it. I'll go and get one in a minute. But, you know, I don't want to mess the hair up this early. Ooh, it looks really nice. But then with that hat, you have to do some crazy thing. It's a Mad Hatter's party. What's the crazy thing you're going to do inside? Well, we'll have to wait and see. A Mad Hatter's, that came from Alice in Wonderland, didn't it? Absolutely. I think that Lewis Carroll was on crack when he wrote that. So we'll have to, that's a fact. So we'll have to see how it goes. Absolutely. Siddharth, what's the craziest thing you've done when you were 17? When I was 17? Uh-huh. It involves the Meridian Hotel in Bangalore, but we'll stop there. Okay, and why will you stop there? Yeah, I'll stop there. I mean, this is not for public consumption, let's put it that way. Oh my God, I think ideas running into my head already. Lovely ladies all around. Are you all anyways planning to leave with somebody or drop somebody home? Well, let's see how the night progresses, correct? You don't know, it's just too early to tell these things, isn't it? Yeah. Absolutely. Any drunken night that you remember, or are you planning to make this one of your best drunken nights? No. I'm actually off the booze at the moment, because I'm running the marathon again in Jan, so you've got to cut down on the alcohol. So I'm currently not on it at all. Okay. Is Deepika going to join us as well? Because she didn't walk in with you. I don't know. Is she here? I'm not sure. As I said, I've come straight here, so I haven't seen who's here and who's not. All right. Absolutely. I hope you have great fun. Thank you so much. Thanks for that. Thank you so much. Take care. Bye. कैटरीना कैफ को आपने कई बार सलमान खान को कॉपी करते देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान भी करते हैं कैटरीना की नकल? यकीन नहीं हुआ ना, लेकिन ये सच है. आप खुद भी देख लीजिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में. सलमान अपनी एक्स, हमारा मतलब है अपनी क्लोज फ्रेंड कैटरीना से इन दिनों काफी इंस्पायर हो रहे हैं. जी हाँ, हमारे क्लोज सोर्सेज ने हमें रिवील किया है कि सलमान आजकल कैटरीना की राह पर चल रहे हैं. दरअसल सलमान कैटरीना अपनी फिल्म एक था टाइगर के लिए टर्की में शूट कर रहे थे और सेट्स पर मौजूद कास्ट एंड क्रू को कैट्स ने गोल्ड कॉइन्स दिए एज अ गिफ्ट, और कैटरीना की यही चीज सलमान ने भी कॉपी कर ली और उन्होंने भी फिल्म के क्रू मेंबर्स को 5-5 ग्राम के गोल्ड कॉइन्स दे दिए. वेल, कैटरीना हर साल दिवाली के शुभ अवसर पर अपनी फिल्म के मेंबर्स को कुछ न कुछ तोहफे में देती हैं, और इसीलिए कैट्स ने अपने यूनिट मेंबर्स को गोल्ड कॉइन्स गिफ्ट किए. जब सलमान ने इस बात को नोटिस किया तो उन्होंने भी कैट की देखा देखी उन्हीं क्रू मेंबर्स को गोल्ड कॉइन्स मंगाकर गिफ्ट किए. वैसे तो सलमान अपने चैरिटी कॉजेस के लिए हमेशा फेमस रहे हैं, पर इस बार उन्होंने अपनी डियर फ्रेंड कैट्स को फॉलो किया. वेल, दिस सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग. वी जस्ट होप कि आप दोनों की ये बॉन्डिंग हमेशा इसी तरह बनी रहे. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे दीपिका, अक्षय और जॉन का एक्सक्लूसिव फोटो शूट फॉर देसी बॉयज. जॉन अपनी फिल्म देसी बॉयज का कर रहे हैं जबरदस्त प्रमोशन. उन्होंने एक मैगजीन के लिए भी किया एक साथ फोटो शूट, तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उनका ये एक्सक्लूसिव फोटो शूट जिसमें उनका साथ दिया सेक्सी दीपिका ने. सो वॉच एंड एंजॉय.
And with that, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossips and scoops only on Planet Bollywood News. Until then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.